बूढ़े हो गए भाई, खत्म हो गया सब कुछ, खत्म हो गया। 2020 मॉडर्न टाइम्स मॉडर्न सॉल्यूशंस। जी हाँ, इमेजिन करो तुम 10वीं में हो, तुम 10th में हो, लड़े लगे पड़े, मातम का माहौल छाया पड़ा घर पे, परप्लेक्सिटी है, कंफ्यूजन है, फ्यूचर क्लियर नहीं है, प्रेशर है। जो नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है एक विद्यार्थी के जीवन में। तुम विद्यार्थी हो, तुम 16 साल 15 साल की छोटी लुल्ली हो, ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं ऑब्वियसली। एंड डिसीजन मेकिंग का टाइम आ चुका है, परप्लेक्सिटी है, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, वोकेशनल, जो भी लूँ। एक स्नीक पीक, जब मेरा डिसीजन मेकिंग का टाइम था, तो मेरा था कि मैं आर्ट्स ले लेता हूँ, क्योंकि ना मुझे फुटबॉल पर फोकस करना है। जी हाँ, तो मैं आर्ट्स लेता हूँ, ठीक है। तो मैं गया एक होप के साथ, सूरज की किरण के साथ, अपने हिस्ट्री टीचर के पास, जो आर्ट्स की बहुत बड़ी पायनियर होगी ना ऑब्वियसली। तो मैं गया कि मेरे रास्ते क्लियर कर देगी यार, मोटिवेशन दे देगी, मजा आएगा, ठीक, यस, अब आर्ट्स पढ़ूँ, कति मजा आएगा। रिस्पेक्ट टू टीचर्स, नहीं, रिस्पेक्ट करता हूँ प्लीज़, बट बावली हो गई, मना कर दिया, मुंह पर मना कर दिया, बोला कि बेटा जा कॉमर्स साइंस ले ना, आर्ट्स वार्ट्स में कुछ ना कर जा। अब मुझे पता नहीं बाकी स्कूल की क्या कंडीशन है, मेरा स्कूल काफ़ी अच्छा था, बट उसमें भी ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो नहीं, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा ये माइंडसेट था जब मेरी 15-16 साल की छोटी लुली थी कि क्या करूँ, समझ रहे हो। तो ये मेरा माइंडसेट था, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट था, एंड आई गेस काफ़ी लोगों का कॉन्टेक्स्ट ये होगा। बट पासपोर्ट या वीज़ा कटा के चलते हैं इंग्लैंड, क्योंकि इस टाइम पे 15-16 साल के टाइम पे द लीस्ट थिंग यू वुड थिंक अबाउट, वो भी इस डिसीजन मेकिंग टाइम पे, कि काश हम पॉपुलर होते, काश 16-15 साल की निब्बियाँ हम पे फ्लैट होती, क्या हम सोचते हैं, लड़े लगे पड़े, कुछ पता नहीं क्या करना आगे। बट अगर हम जाए इंग्लैंड में, हम बात करें 14 साल के एक ऐसे बंदे की जो अंडर 18 लेवल में खेल रहा है, घर पे आके मैच का होमवर्क कर रहा है, 15 साल की उम्र में अंडर 23 लेवल पे खेल रहा है अपने क्लब के लिए, अपने, ठीक है, निब्बियाँ फ्लैट, काम खत्म, इतना ही काफ़ी ऑब्वियसली, तुम फ्लॉन्ट कर सकते हो दबा के, बट नहीं, ही बिकेम द यंगेस्ट, बर्मिंगम क्लब है जो उस चैंपियनशिप में खेलता है, उसका यंगेस्ट प्लेयर टू एवर स्कोर अ गोल, टू एवर मेक एन अपेयरेंस, फ्लैट, खत्म। इससे बड़ा क्या फेंक हो गया यार, क्या क्या चीज़ जिंदगी में। और बट यहीं पे नहीं, जूड बेलिंगहम, जो ऑब्वियसली मैन यूनाइटेड से काफ़ी लिंक्ड था इस टाइम पे, जनवरी में भी, इसमें भी, इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टॉप 50 यंग इंग्लिश प्रॉस्पेक्ट, जो भी है जनरेशन की आने वाली, 17 साल का हो चुका है, ही हैज बैक्ड दिस मूव टू बोरुशिया डॉर्टमुंड, जर्मन जायंट्स, बुंडेसलीगा में लैविश लाइफ, काम खत्म। नॉट ओनली दैट, और कितना फेंकोगे, और कितना, और कितनी निब्बियाँ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसकी शर्ट रिटायर कर दी, वो 22 नंबर जर्सी पहनता है, जूड बेलिंगहम की शर्ट रिटायर कर दी, ये कितनी तगड़ी बात है, ये क्या है, जिंदगी में कोई भी 22 नंबर शर्ट नहीं पहनेगा, क्यों, क्योंकि वो बहुत यंग प्लेयर था, हमारी अकेडमी से आया, काफ़ी पॉपुलरिटी गेन करी, ऑब्वियसली यूनाइटेड से लिंक्ड हो गए सब, एंड बैंकरप्सी से बचा दिया, या फिर जो भी है, बट टू ऑनर हिम, टू इंस्पायर अदर्स, उसकी जर्सी रिटायर कर दी, मेस्सी की नहीं, रोनाल्डो की नहीं। अब ये भी, फॉर एग्जाम्पल मालमो, तुम्हें पता है मालमो क्या, मुझे पता, काफ़ी लोगों को पता होगा, मालमो स्वीडन में क्लब है जिससे ज्लाटन इब्राहिमोविच खेलता था, तो तुम्हें पता कि मालमो क्या, तुम्हें क्या और कोई स्वीडन क्लब पता है, लौड़ा भी नहीं, तो तुम्हें मालमो पता, तो मालमो ने ज्लाटन की शर्ट रिटायर करी क्या, न्यूएल बॉयज, ओल्ड न्यूएल बॉयज, जो भी मेस्सी का क्लब था, उसने शर्ट रिटायर करी, जूड बेलिंगहम की शर्ट रिटायर हो चुकी, ऑब्वियसली अगेन मॉडर्न टाइम्स मॉडर्न डिसीजंस, जो भी है पता नहीं, बट जी हाँ, जूड बेलिंगहम ऑब्वियसली इतना बड़ा टैलेंट, इतनी बड़ी खबरें, नाम काफ़ी फाड़ है, जूड बेलिंगहम नाम सुनकर थोड़ा खड़ा रहना, सही बताऊँ तो मन कर हिला लूँ, बट जूड बेलिंगहम ऑब्वियसली, मैं गया यूट्यूब पे हाइलाइट्स देखी, हाइलाइट्स देखने में हर किसी का ऑब्वियसली खड़ा हो जाता है, कुछ चिंता वाली बात नहीं, हर कोई बढ़िया दिखता है, वो सेक्सी टचेस, वो ग्लिम्सेस आराम से दिखते हैं, कुछ चिंता वाली बात नहीं, और तुम इंप्रेस हो जाते हो हाइलाइट्स देख के। तो मैंने देखी एंड अच्छा लगा, ये बोलता हूँ कि डेले अली का चचेरा भाई लगता है, डेले अली काफ़ी लगता है, जो भी उसी तरह थोड़ा स्टाइल, एंड ऑब्वियसली मॉडर्न फुटबॉल में ऐसे बंदे सर्वाइव नहीं करते, हर कोई मेस्सी नहीं होता, हर कोई रोनाल्डो नहीं होता, डिफेंसिव स्टेबिलिटी चाहिए, तुमको डिफेंसिव काम करना होगा, तुमको अगेन मॉडर्न फुटबॉल में भागने वाला बड़वा होना पड़ेगा, एंड वो है डिफेंसिव, काफ़ी काम करता है, टैकल मारता है, इज वेरी वर्सेटाइल, मिडफील्डर खेल सकता है, होल्डिंग सिक्स, विंगर खेल सकता है, सेकंड स्ट्राइकर खेल सकता है, काफ़ी टेक्निकल भी, फुटसाल खेला था अपने टाइम पे, एंड अगेन 14 साल की उम्र में अंडर 18, 15 में अंडर 23, कतर अपने होम डेब्यू में स्कोर्ड अ विनर अगेंस्ट स्टोक, अगेन यू कैन प्रेज हिम, बट इतना कुछ है नहीं,
वो सिर्फ एक सीजन 2019-20 बर्मिंगम के लिए खेले, काफी रेगुलर था बीइंग अ 17 ईयर ओल्ड, तो ऑब्वियसली अच्छा टैलेंट होगा। अगेन अफ्रीकन ओरिजिन्स है, फ्रेम काफी बड़ा अपनी उम्र के हिसाब से, तो ये काफी हेल्प करता है यंग प्लेयर्स को। तो ये जो सिचुएशन है ना, इस पर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं इस पर वीडियो बनाने के लिए प्रॉम्प्ट क्यों हुआ, क्योंकि इससे काफी रास्ते खुलते हैं। पहली बात तो ऑब्वियसली तगड़ा टैलेंट, एक नया टैलेंट फुटबॉल के जगत को मिलेगा, कुछ चिंता वाली बात नहीं। बट बोरुसिया डॉर्टमुंड जा रहे हैं, एक और इंग्लिश प्लेयर जर्मनी जा रहा है। क्या हो गया जर्मनी में, क्या है जो कोठा लग रहा है? जर्मनी, हर कोई जर्मनी जा रहा है, हर कोई जर्मनी जा रहा है, हर कोई यूएसए का प्लेयर जर्मनी जा रहा है, इंग्लिश प्लेयर जर्मनी जा रहा है, ऐसा क्या है? मैं लिटरली, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है मैं उसको फ्रेंड बोलना चाहूंगा, बट था भाई, वो इंडियन, ऑब्वियसली इंडियन, और जर्मनी गया 15-16 साल की उम्र में जो भी है। अभी वो करेंटली प्लेस फॉर इंडियन एरोस, आई लीग में खेलता है वो, मुत्ता भी नहीं मुझे जी हाँ। तो जर्मनी में ऐसा क्या है, जर्मनी में ऐसा क्या है, काफी लोग जाते हैं जो कि इंग्लिश प्लेयर्स स्पेन जाते हैं, नहीं इतने नहीं जाते, डेविड बेकहम, बेल वेल, ठीक है जो भी है, मतलब बेल वेल्श है। इटली तो सिर्फ लेजेंड्स जाते हैं, प्लीज हाथ जुड़वा लो अपना बहन चो एशली यंग, क्रिस मॉलिंग। बट 2000s में जर्मनी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया गया, इन्वेस्टमेंट है, डेवलपमेंट है, कतल है वहाँ पे, यूथ डेवलपमेंट काफ़ी फार। एंड ऑब्वियसली अगर मैं इंग्लिश प्लेयर और मैं अमेरिकन प्लेयर हूँ, तो मुझे पता है कि जर्मनी में इंग्लिश भौकी जाती है, यहाँ पे इंग्लिश बोल लेते हैं, तो लैंग्वेज का इतना बैरियर नहीं, समझ रहे हो? वहाँ पे वर्क परमिट मिलना काफ़ी आसान है यूएसए के प्लेयर्स को, दैट्स वाई क्रिस्टियन पुलिसिच, जियो रेना, जॉर्ज सार्जेंट वगैरह वगैरह काफ़ी यंग प्लेयर्स खेलते हैं। इंग्लिश मार्केट, जी हाँ, एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, होम ग्राउंड रूल। कि अगर कोई इंग्लिश क्लब में 25 की कैपेसिटी है, तो स्क्वाड की 17 फॉरेन प्लेयर्स हो सकते हैं, 8 एटलीस्ट होम ग्राउंड प्लेयर्स होने चाहिए, हो सकते हैं। अब इनके कंडीशंस काफ़ी चुदाप है और ये काफ़ी अफेक्ट कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली टू मेक इट इनटू प्रीमियर लीग फुटबॉल काफ़ी टफ है फॉर इंग्लिश प्लेयर्स ऑफिस, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स काफ़ी हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में 66% ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं, बट होम ग्राउंड प्लेयर्स ना, हाँ होम ग्राउंड प्लेयर्स में भी काफ़ी फॉरेन खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोगबा वॉज अ होम ग्राउंड प्लेयर, जी हाँ। फॉर एग्जाम्पल जो भी फॉरेन प्लेयर, जो भी एक यंग एज से इंग्लिश फुटबॉल में आता है, ही इज़ अ होम ग्राउंड प्लेयर। कैसे? क्योंकि इनकी जो कंडीशन है काफ़ी चुदाप है। अगर तुम 21 से पहले तीन साल तक एक क्लब में खेल रहे हो, यानी कि 18 की एज से, तुम होम ग्राउंड प्लेयर्स कहलाए जाते हो, यानी कि कोई भी उससे पहले अगर इंग्लैंड में मूव कर रहा है, तो वो होम ग्राउंड प्लेयर हो गया। बहुत ही बढ़िया। तो काफ़ी लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं कि इस एज को 18 कर दो, ताकि 15 से स्टार्ट हो, ताकि जो अकेडमी प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा वो मिले प्रॉस्पेक्ट, जो भी है। एंड ऑल्सो डिबेटें चल रही है कि इस 8 नंबर को, ये 8 होम ग्राउंड प्लेयर्स, इनको 12 कर दो, थोड़े नंबर बढ़ जाएंगे, थोड़े और बच्चे खेलेंगे, तमीज से बात करो, थोड़ा अपना टैलेंट डेवलप करते हैं। बट अगेन, क्या बुरा है? जेडन सांचो 17 साल की उम्र में एक ऐसी सिचुएशन में है कि उसको जर्मनी जाना है, उसने जर्मनी जाना ज़्यादा अच्छा समझा, रादर देन डेवलपिंग अ पाथवे इंग्लिश फुटबॉल में, डेवलप करना फॉर एग्जाम्पल, एंड प्लेइंग अल्टीमेटली फॉर पेप गार्डियोलाज मैन सिटी। तो ही वेंट टू बोरुशिया डॉर्टमुंड 17-16 साल की उम्र में, अगेन इमिडिएटली 7 नंबर जर्सी दे दी। रिस्पेक्ट देख रहे हो? यानी कि जो जर्मन क्लब्स हैं, जर्मन फुटबॉल है, वो कैसे यंग प्लेयर्स को, फॉरेन यंग प्लेयर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, एक गारंटी सॉर्ट ऑफ दे रहा है, कह सकते हैं एक गारंटी दे रहा है कि चल ठीक है मैं वहाँ पे जाऊँगा, तो ठीक है। तो इंग्लिश सर्कल में, यंग सर्कल में बातें चुद रही हैं कि चल यार देख, तू ऑगस्टबर्ग चले आया, तू हॉफनहाइम चले जाए, कि फॉर एग्जाम्पल रीस नेल्सन हॉफनहाइम गया आराम से, ठीक है। अब आर्सेनल में जाके इतना नहीं खेल पा रहा, बट हॉफनहाइम में ठीक है। एंड फिल फोर्डन को ले लो, फॉर एग्जाम्पल फिल फोर्डन मैन सिटी में खेल रहा है भी, ठीक है थोड़ा थोड़ा, बट ही इज ऑब्वियसली कतल। अगर वो इस टाइम पे जर्मनी में खेल रहा होता, ही वुड हैव बीन प्लेइंग मोस्टली एवरी गेम्स, मोस्टली, इतना कतल है। तो एक सॉर्ट ऑफ गारंटी भी आती है, ठीक है ना। उससे ये कह सकता हूँ कि ठीक है, इंग्लिश फुटबॉल से सबसे ज़्यादा सिमिलर फुटबॉल कौन सा है? जर्मन फुटबॉल है ना, वही सेम इंटेंसिटी, क्राउड काफ़ी भरे पड़े हैं, वो सब चीज़ें, काफ़ी अच्छा एटमोसफेयर, अच्छी, ठीक है वो सब चीज़ें, क्योंकि सेरिया में तुमको पता है टेक्निकलिटी, स्पेन में ये सब चीज़ें, तो दैट ऑल्सो मेक्स अ गुड चॉइस। एंड ऑब्वियसली इंग्लिश क्लब्स चाहेंगे कि उनके प्लेयर्स यहाँ पर रुके, बट इट्स अ विन विन सिचुएशन, सही में, क्योंकि उनके यंग टैलेंट आर प्लेइंग देयर, तो वो वहाँ पे भी खेल रहे हैं, एंड गैरेथ साउथगेट को देख लेगा, तो इंग्लैंड नेशनल टीम में बुला लेगा एक नए एक्सपोजर के साथ। एंड ऑल्सो फॉर जर्मनी, वो ऐसे यंग प्लेयर्स को खरीदते हैं, मोस्टली लोन पे भी जाते हैं, बट खरीदते भी उनको और महंगे में बेचते हैं। क्रिस्टियन पुलिसिच फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन यंग में खरीदा, 64 में बेच दिया चेल्सी को। एंड नॉट ओनली दैट, ब्रॉडकास्टिंग, अमेरिकन लोग देखेंगे कि यार भैया क्रिस्टियन पुलिसिच या फिर जियो रेना वहाँ पे खेल रहा है, देखता हूँ। इंग्लिश फैंस देखेंगे बुंडेसलीगा को, क्योंकि उनके यंग टैलेंट वहाँ पे हैं। बट जैसे कि सारी चीज़ें हंकी डोरी नहीं होती, सारी चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती, काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे हैं जर्मन फुटबॉल में, क्योंकि 2018 वाज नॉट अ गुड ईयर, अंडर 17 चैंपियनशिप से टीम बाहर हो गई, वर्ल्ड कप में छूट गई ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन कर रहे कि तुम बाहर के लोगों को प्रमोट कर लो, अपना देख लो पहले, अपने जर्मन टैलेंट को देखो। तो उस पर भी काफ़ी लग रहा है कि
जर्मन टैलेंट को और थोड़ी लाइमलाइट दो, क्योंकि इंग्लिश अमेरिकन प्लेयर्स आके ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी क्वेश्चनेबल चल रहा है. एंड ऑब्वियसली इंग्लैंड में भी ये बकचोदी चल रही है जो भी है. बट जी हाँ, दिस इज हाउ जर्मन फुटबॉल इज प्रमोटिंग नॉट ओनली इंग्लिश अमेरिकन बट अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट्स. एवरेज एज काफ़ी कम होती है स्क्वाड की, सबसे कम एवरेज एज है जर्मन लीग की सारी लीग को कंपेयर करके. ये बट अगेन ये जूड बेलिंगहम का केस एक और रास्ता खोलता है इस वीडियो के लिए कि बोरुशिया डॉर्टमुंड ही क्यों, क्या लोगे भाई. जेडन सांचो भी है, हालैंड भी है, वेंचोद, थॉर्गन हासा, यंग जर्मन टैलेंट, हर कोई भरा पड़ा है, हर कोई टैलेंट है. को लिटरली प्लेयर्स ऑफलोड करने पड़े, फॉर एग्जांपल जूलियन वाइगल जो कितना तगड़ा प्रॉस्पेक्ट था. बट ऐसा क्या है बोरुशिया डॉर्टमुंड में कि उनकी रिक्रूटमेंट इतनी फाड़ है, ऐसे सूंघ लेते हैं. क्या स्काउटिंग तगड़ी ऑब्वियसली होगी, ठीक है. अब मैं कुछ स्काउट्स के नाम ले लेता हूँ बट वो इंपॉर्टेंट नहीं. बट यहाँ पे बात है रिक्रूटमेंट की. माइकल जॉक, योआकिम वाट्सके, मथाइस समर, जो भी इन भरवे हैं, तीनों रिक्रूटमेंट के राजा हैं. प्रिडिक्ट कर लेते हैं भाई, एनालाइज कर लेते हैं. क्रिश्चियन पुलिसिस पे ऑफर आने वाला है, ठीक है, तो उसको ट्रांसफर लिस्ट में डाल देते हैं. तब तक हम प्रिपेयर करते हैं जेडन सांचो के लिए, तब तक हम प्रिपेयर करते हैं अलेक्जेंडर इसाक के लिए, तब तक हम प्रिपेयर करते हैं ब्रून लार्सन के लिए, जो भी है. ये पहले से ही सेकेंड ऑप्शन बना लेते हैं पहले से ही, और उन पे फुल बैकिंग करने को तैयार रहते हैं. लेकिन अगेन जेडन सांचो को नंबर सेवन नहीं दिया, उस्मान देमबेले की बात, ऐसे को जो भी है. बट एक और काफी इंपॉर्टेंट रीजन भराता है, जी हाँ, यर्गन क्लॉप की 2000 कौन सी, मैंने वीडियो बना चुका हूँ उस पर, 2012 की टीम जो भी है, जो चैंपियंस लीग के फाइनल 12-13 चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंची थी, कतल थी. दे वन अ लॉट ऑफ बुंडेसलीगा यर्गन क्लॉप के टाइम पे. ही बिल्ड अ यंग टीम, इकाई गुंडगान, लेवेंडोस्की, ओबामयांग, इन सबको छोटी छोटी जगह से उठा के डेवलप किया. मिखतारिन, ब्लाचिकोव्स्की जो भी थे, तो ऑब्वियसली एक अच्छा एग्जांपल सेट होता है कि ठीक है बोरुशिया डॉर्टमुंड में यंग प्लेयर खेलते हैं, दबा के आग मुकते हैं. तो जी हाँ, बोरुशिया डॉर्टमुंड डू नॉट डिसअपॉइंट. रिक्रूटिंग, सेलिंग, जो बिजनेस मॉडल अच्छा है ना, ऑब्वियसली काफी लोग क्वेश्चन करेंगे तो ठीक है, इतना ही अच्छा तो बुंडेसलीगा में फाड़ कर नहीं लेते, जीतते क्यों नहीं, क्लोज हैं, आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लूसियन फेवर मुझे इतना पसंद नहीं, जो भी है. बट अगेन अच्छी टीम, काफी फाड़. जूड बेलिंगहम मूविंग टू डॉर्टमुंड, इंटरेस्टिंग. 22 नंबर जर्सी रिटायर कर दी गई इतनी यंग उम्र में, तगड़ा केस. काफी चेंज होना पड़ेगा बट अभी के लिए विन विन सिचुएशन, ब्यूटीफुल खड़ा हो रहा है.